क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, निशु कोर्स लॉन्च हो चुका है आप लोगों के लिए, है ना। और हम लोग आज कंप्लीट करते करते हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी आप पीछे पढ़ चुके हो बस आप रिविजन करना, है ना। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेगमेंट, ठीक है, क्लास सिक्स के लिए केमिस्ट्री का सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, फाइबर टू फैब्रिक, ये चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और आप पेन पेपर जो भी है आप निकाल के बैठ जाओ, हम लोग अच्छे से एक एक लाइन को हिट करते हैं, समझते हैं क्या क्या है। आज क्लास छोटी होगी क्योंकि आज चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो थोड़ा ही पढ़ेंगे, फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए आप बुक निकाल लीजिए, अगर बुक है तो आप बुक सामने खोल लीजिए और नहीं तो आप डिस्प्ले पे देख के कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। देखिए ऐसे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा ही करूँगा जैसे डिटेल में, ठीक है, जब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इंट्रो देख लेंगे इस चैप्टर्स में है क्या, बाद में तो एक एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस करी ही जाएगी आपके साथ, लेकिन देख लो थोड़ा सा मैं इंट्रो देता हूँ आपको किस तरीके से चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे, आखिर फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ना है क्या, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना हमारे पास सोर्स होता है, जिसके मीडियम से है ना हमारे पास क्या है, सोर्स है, सोर्स, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। ये सोर्स, ये नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं, ये मैनमेड सोर्स भी हो सकता है, जिसके मीडियम से क्या मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग को फाइबर मिलता है, ठीक है। फाइबर सबसे बेसिक एलिमेंट है, जैसे घर बनाने के लिए आपको कैसे सबसे पहले ईंट चाहिए, ठीक है, वो फाइबर, ठीक है। फाइबर के मतलब फाइबर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, ठीक है, और फिर यार्न के मदद से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक, ठीक है, और इस फैब्रिक के हेल्प से नया नया क्लॉथ आइटम बनाते हैं, जो चीज़ बनाना हम लोग को वो सारी चीज़ बनाते हैं। तो ये बेसिक रिव्यू है कि चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आगे डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइबर, यार्न, फैब्रिक सोर्सेज के बारे में हर चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अभी बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप समझ समझ के लिख लिख के चलना, ठीक है। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको, ठीक है, कि क्या क्या है नहीं है। देखिए ऐसे तो कई मेथड है ये एनसीईआरटी को पढ़ने का, लेकिन मैं एक अपना एक मेथड, एक अप्रोच आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, शायद आपको पसंद है, ठीक है, पसंद आए और अच्छा लगे तो आप करना, अदरवाइज आप जहाँ कर रहे हो बढ़िया है, आप अच्छे से करो, ठीक है, गुड लक। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या लिख रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में। देखो ये क्लॉज शॉप में आप गए हो कभी, ये सब देखो तरह तरह का आइटम है ना, कितने काइंड का, वूलन होगा, कोई सिल्क का होगा, कोई सिंथेटिक आइटम होगा, पॉलिस्टर का साड़ी होगा, नील नाइलन का होगा, लिनन का होगा, है ना, इस तरह का कई आप टाइप सुने हो कि क्लोथ मटेरियल का जो टाइप्स है उसका फैब्रिक का क्वालिटी अलग अलग होता है, ये सब आप सुने ही होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आप बुक में देखिए, ये जो दो फ्रेंड है आपके पास, पहली एंड भोजो, ये आपके साथ पूरे क्लास सिक्स में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये देखो बुक बहुत मस्त लिखी गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, जिस एटीट्यूड से पढ़ना है इस बुक को, अगर उतनी रेस्पेक्ट देकर पढ़ोगे आप, तो यकीन मानो आप कि इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको उसी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ देखना, एक स्टोरी के मीडियम से आपको क्या समझाने की कोशिश, इतना जो लिखी गई है ये चीज़, इस मीडियम से, इस माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है देखना आप, ठीक है। दो फ्रेंड होती है, ठीक है, वो लोग क्या, एक कंपटीशन होता है स्कूल में, साइंस क्विज कंपटीशन, है ना, साइंस क्विज कंपटीशन, वो उसमें वो लोग फर्स्ट प्राइज जीतती है, ठीक है, जो उसके स्कूल में होता है एक कंपटीशन, तो वो लोग बहुत खुश हो जाती है ना, एक्साइटेड हो जाती है, और वो लोग सोचती है जो प्राइज मनी हम लोग को मिला है, इस प्राइज मनी की हेल्प से हम लोग कुछ क्लोथेस खरीदते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए, कितना नेक है ना। वेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी, लेकिन जब वो
क्लॉथ शॉप पे गई, ठीक है, तो क्या पता चला, वहाँ तो क्लॉथ मटेरियल का बहुत वैरायटी था। वो कंफ्यूज हो गई कि आखिर कौन सा वैरायटी हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो फिर दुकानदार साहब उनको बहुत समझाया, ठीक है, दुकानदार साहब उनको बहुत समझाया कि क्लोथेज और जो फैब्रिक है ना, इसका बहुत बहुत तरह का होता है, बहुत इसमें वैरायटी है, ठीक है। कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ सिंथेटिक के हैं, ठीक है, साथ में उसको ऊलन का भी मिला, जैसे एग्जांपल में मफलर्स और सॉल्स आप लोग देखते होंगे, आपकी मम्मी भी पहनती होगी सॉल या फिर भैया मफलर, ठीक है, तो वो ऊलन होता है। साड़ी, सिल्क साड़ी भी आप सुने होंगे नाम, बहुत वैरायटी है, ठीक है। एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्लोथ का जो है ना, क्लोथ मटेरियल का आपको वैरायटी समझाने की कोशिश करी जा रही है कि देयर इज अ ह्यूज वैरायटी, ठीक है, इन अ क्लोथ मटेरियल, ठीक है। कुछ ही वैरायटी एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा लंबा वैरायटी डिस्कस करूँगा, आपको वो चीज़ याद नहीं रखना है, ठीक है। और फिर बाद में वो लोग नोटिस करी वेरियस फैब्रिक्स, ठीक है, वो अपने आसपास में बेड शीट भी देखी, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स, सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बना होता है। साथ में स्कूल बैग भी एक किसी न किसी काइंड का फैब्रिक से बना होता है, गनी बैग्स, ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, ऊल, सिल्क और सिंथेटिक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं समरी करूँ इस सारी चीज़ों को, ठीक है, इंट्रो को समरी करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास क्लोथ मटेरियल है, जो हमारे पास फैब्रिक है, उसका डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये टाइप्स के बारे में डिस्कस करी गई है, ठीक है। अब आप क्या करना, आप ये करो, आप पेज निकाल लीजिए, ठीक है, एक मिनट मुझे आप टाइम दीजिए, एक मिनट टाइम दीजिए, ठीक है। आप ऐसा करो, आप पेज निकाल लो, पेज और पेन निकाल लीजिए आप, ठीक है, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है, आइए। तो पहले तो आप हेडिंग डाल लेना, ठीक है, केमिस्ट्री का सबसे पहला सेगमेंट शुरू हुआ है, ठीक है, पहला चैप्टर है ना, फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, ऐसा आप हेडिंग दे लेना। हेडिंग देने के बाद आप अंडरलाइन कर लेना, लिखने का टाइम देंगे हम, ठीक है, आपको लिखने का टेंशन नहीं लेना, जब मैं लिख रहा हूँगा तो आप मत लिखना, ठीक है, आपको सेपरेट टाइम दी जाएगी, फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना बाबू, चलो एवरीथिंग इज फाइन, चलो लिखते हैं ना। देखो पहले हम लोग समझते हैं कि आपको इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझते हैं, ठीक है, आप अभी मैं लिखना मत, सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं है, धीरे धीरे राइटिंग सुधार किया जाएगा ना, सिलेबस आइए, सिलेबस सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको, पहले तो ऐसे इंट्रो भी मैं करा दूंगा, लेकिन सबसे पहला टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स, ठीक है, फैब्रिक्स में कितना वैरायटी है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना, वैरायटी इन फैब्रिक्स, आप अभी देखना, ठीक है, अभी मत लिखना आप, वैरायटी इन फैब्रिक्स, ठीक है, फैब्रिक्स में कितने तरह का वैरायटी है वो उसके बारे में समझेंगे। दूसरा टॉपिक है आपके सामने सबसे बेसिक चीज फाइबर, है ना, चैप्टर का नाम भी है फाइबर टू फैब्रिक, तो फिर फाइबर समझेंगे, फिर समझेंगे सम प्लांट्स फाइबर, ठीक है, सम प्लांट्स फाइबर के बारे में समझेंगे, सम प्लांट्स फाइबर, ठीक है ना, बढ़िया। चौथा टॉपिक है स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग क्या प्रोसेस है, क्या है नहीं है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल कर लेंगे, ठीक है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है, कॉटन यार्न। पांचवा टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक, ठीक है, यार्न से कैसे फैब्रिक बनाते हैं, यार्न टू फैब्रिक, ये भी समझेंगे अच्छे से। छठा और लास्ट टॉपिक है आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ठीक है, किस तरीके से हमारे लाइफ में क्लोथिंग मटेरियल आया, ठीक है, शुरू में तो ऐसा नहीं था कि पहले पुराने ज़माने के लोग क्लोथ्स
डायरेक्ट वियर नहीं ना करते थे, क्लोदिंग मटेरियल, ठीक है, क्लोदिंग मटेरियल। क्लोदिंग मटेरियल का हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, जो कि लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ना, चैप्टर इसी के साथ एंड होगा। ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करो, सबसे पहले आप एकदम बढ़िया राइटिंग से, ठीक है, ये लिख लेना आप, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, वीडियो पॉज करें, इसको लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप, लिख ले रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। आइए इंट्रो के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो स्टोरी आपने पढ़ा है ना, उससे आपको क्या सीखने को मिला है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी इंट्रो में आपने क्या देखा, ठीक है, इंट्रो आप डाल लेना, ठीक है। आइए ऐसे करके लिखना आप, हैशटैग डालकर, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ आपको, उसके बाद फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। जो क्लोथ मटेरियल मटेरियल, ठीक है, जो क्लॉथ मटेरियल आपने अभी देखा, ठीक है, ऊलेन ये सब तरह तरह का जो आइटम आपने देखा था, क्लोथ मटेरियल में इसको हम लोग फैब्रिक भी बोल सकते हैं ना, फैब्रिक, ठीक है, इसमें बहुत टाइप्स है अपने पास, है ना, बहुत टाइप्स है। कुछ ही टाइप्स आपके एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। कॉटन का आपने देखा ही होगा, कॉटन के बारे में डिस्कस करी गई थी। दूसरा सिंथेटिक, सिंथेटिक की भी बात करी गई है, ये टाइप है ना सिंथेटिक। फिर आपके आपके पास है ऊलेन, उलेन मफलर आपने देखा है एग्जाम्पल में, ये फैब्रिक है, फैब्रिक का टाइप है, ठीक है। सिल्क, सिल्क साड़ी की भी बात करी गई है ना, सिल्क हो गया, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, देखो इसको डायरेक्ट याद नहीं रखना, ठीक है, रिवीजन आप करोगे, नीलन, नाइलन है ना, सॉरी, एक्रिलिक, एक्रिलिक, एट में लिनेन, इसको डायरेक्ट आपको क्या करना, याद नहीं करना, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, है ना, वेलवेट। ऐसे तो बहुत सारा, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है। वेलवेट हो गया, आप नीचे और लिख लेना 11 नंबर में, डेनिम है ना, डेनिम का टी शर्ट, डेनिम का शर्ट, बहुत नाम सुने होंगे आप। डेनिम के बाद मसलिन है ना, मसलिन, यह नया होगा आपके लिए। देखिए ये सबको आप रटने मत लग जाना, ठीक है, रटने के लिए नहीं लिखवाया हुआ है, पूरा कर लेना आप, वीडियो पॉज करें और इतना लिख ले आप, ठीक है ना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो आपके पास कुछ ही डिस्कस करी गई थी एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन हमने आपको थोड़ा और बढ़ाकर लिखवा दिया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा हमारे पास इतना वैरायटी है, ठीक है। ये वैरायटी है किस चीज़ का, फैब्रिक का, मतलब क्लोथ मटेरियल का। फिर कॉटन का कई आइटम बनता है ना, कॉटन का शर्ट साड़ी जो भी चीज़ बनना है वो बनता है, उस चीज़ों पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस आपको क्लोथ मटेरियल का थोड़ा सा इंट्रो देना था, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें आप। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज बेसिक था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आप क्या करना, आप इसको याद मत करना, आप सिर्फ रिवाइज करके आना, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, और पहला टॉपिक वैरायटी इन फैब्रिक्स को आप एनसीईआरटी में से सिर्फ पढ़ के आना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ताकि मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो चीज़ों को आप इंटरलिंक कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पर समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी, हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी, जय हिंद, टाटा।